समस्तीपुर में इंडियन बैंक में लूट की कोशिश, सुरक्षा कर्मियों के हत्थे चढ़ाए अपराधी, पिस्टल चाकू और अन्य आपत्तिजनक सामान बरामद। समस्तीपुर में शराब तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करने गई उत्पाद विभाग की टीम पर हमला, पटना की टीम पर शराब कारोबारियों ने किया हमला, दहशत फैलाने के लिए की गई कई राउंड फायरिंग। सराय रंजन के झखड़ा शीतलपट्टी गांव में शराब की खेप की विभाग को मिली थी सूचना, हमले के बाद विभाग की टीम ने भारी मात्रा में शराब जब्त किया, एक कारोबारी गिरफ्तार। भागलपुर में जोधानी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड पर आईटी की रेड, आधा दर्जन से अधिक गाड़ियों में पहुंचे इनकम टैक्स टीम के अधिकारी, इस शहर के कई प्रतिष्ठानों में मचा हड़कंप। बिहार नगर निकाय चुनाव में तत्काल सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार, कोर्ट में जल्द सुनवाई के लिए दायर की गई थी याचिका, कोर्ट के फैसले के बाद तय समय पर होगा नगर निकाय चुनाव। कुढ़नी उपचुनाव में जेडीयू की हार के बाद महागठबंधन में मतभेद, पूर्व आरजेडी विधायक अनिल सहनी ने सीएम नीतीश को बताया हार के लिए जिम्मेवार, मांगा इस्तीफा। अनिल सहनी ने नीतीश पर लगाया अति पिछड़ों के हक मारी का आरोप, कहा सीएम ने अपने सिंडिकेट के लोगों को दिया टिकट। कुढ़नी पर पीएम के बयान पर सियासत तेज, तेजस्वी यादव ने किया पलटवार, कहा पीएम को गोपालगंज और मोकामा के परिणामों को भी देखना चाहिए। कुढ़नी में जीत के बाद उत्साह में बीजेपी नेता, जीत को बताया आगे की रणनीति को दिशा देने वाला, विधान पार्षद नवल किशोर यादव ने कहा 24 और 25 में बुरी तरह हारेगा महागठबंधन। कुढ़नी में जीत के बाद बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल का बयान, जीत के लिए जनता को दिया धन्यवाद। कुढ़नी में हार के बाद जेडीयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का बयान, कहा हार की समीक्षा होगी। कुढ़नी उपचुनाव में जीत के बाद बीजेपी ने साधा नीतीश पर निशाना, कहा नीतीश कुमार ले राजनीति से संन्यास। नालंदा में आरसीपी सिंह ने नीतीश सरकार पर साधा निशाना, कहा शराबबंदी के नाम पर बिहार को प्रतिदिन हो रहा 60 करोड़ का नुकसान। पूर्णिया पहुंचे पूर्व सांसद पप्पू यादव, कहा 70% एमपी एमएलए गलत कामों में है शामिल। भारत की राजनीति को जानने नॉर्वे की टीम, नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा के साथ बिहार विधानसभा पहुंची, जहां बिहार में राजनीति और इसके महत्व को नेता प्रतिपक्ष ने नॉर्वे से आए डेलीगेट्स के समक्ष रखा। खतिहानी जोहार यात्रा पर पलामू पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन, अलग अलग प्रखंड से पहुंचे लोगों की सुनी समस्याएं। पलामू में सीएम पुलिस लाइन स्टेडियम में आयोजित जिला स्तरीय समीक्षा बैठक में शामिल हुए, बैठक में गढ़वा और पलामू के डीसीएसपी के समेत कई बड़े अधिकारी रहे मौजूद। पलामू में सीएम हेमंत सोरेन ने मेदिनीनगर रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर जरूरतमंदों को बांटा कंबल, छात्रावास का भी किया दौरा। झारखंड राज्य खाद्य आयोग के स्थापना दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 से संबंधित कार्यशाला का आयोजन एटीआई सभागार में हुआ कार्यक्रम। कार्यक्रम के दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने पीडीएस सिस्टम को दुरुस्त करने पर जोर दिया, कहा जरूरतमंदों को कैसे समय पर खाद्य सामग्री पहुंचाई जाए इसके लिए कार्यशाला में हुई बात। बीजेपी के पूर्व के रघुवर सरकार में शामिल 5 मंत्रियों पर जांच के आदेश के बाद सियासत शुरू, बीजेपी विधायक रणधीर सिंह ने सीएम को अपनी संपत्ति की जांच कराने की दी चुनौती, सरकार ने आय से अधिक संपत्ति मामले में जांच कराने का दिया है आदेश। धनबाद में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने पहुंचे सुबोधकांत सहाय और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, हिमाचल में जीत पर दिया बयान, कहा जुमलेबाजी नहीं विकास को लेकर जनता ने दिया वोट। बोकारो में आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा ने हेमंत सरकार पर बोला हमला, झारखंड में शिक्षा की स्थिति को बताया बदतर, कहा झारखंड में केजरीवाल मॉडल लागू करने की जरूरत। हजारीबाग में भीषण सड़क हादसे में जिंदा जला बाइक सवार युवक, हाईवा की चपेट में आने से हुआ हादसा, पंगरी बरवाड़ी मेगा लक्ष के पास हुआ हादसा। दानापुर के बिलाप मोड़ के पास अज्ञात वाहन से कुचलकर छात्र की मौत, हादसे में साइकिल सवार की मौत, घटना को अंजाम देने के बाद ड्राइवर गाड़ी लेकर फरार। गया के टेकारी में आर्मी की तैयारी में जुटा एक युवक हुआ उसकी मौत, स्थानीय ग्राउंड में दौड़ लगाते समय हुई मौत, ठंड से मौत की जताई जा रही आशंका। पूर्णिया के भवानीपुर में सड़क हादसे में महिला समेत 7 लोग घायल, इलाज के दौरान महिला की मौत, शादी के लिए जा रहे थे सभी लोग। पूर्वी चंपारण के घोड़ासहन थाना क्षेत्र में 2 बाइक में जोरदार भिड़ंत, हादसे में 4 लोग घायल, घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती।
वैशाली जिले के जंदाहा बाजार के पास एक दुकान में भीषण आग लगी। आग इतनी भयावह थी कि उसकी लपटें दूर से ही दिखाई दे रही थी। आग लगने की खबर पर पहुंची दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। कोडरमा रेलवे स्टेशन में ट्रेन में आग लगने से मचा हड़कंप। मालगाड़ी के चक्के में आग लगने से अफरा तफरी। आनन फानन में कोडरमा स्टेशन पर मालगाड़ी को रोककर आग बुझाया गया। खगड़िया के परबत्ता थाना इलाके के जुड़ावरपुर गांव में दर्दनाक हादसा। घर का दीवार गिरने से मलबे में दबकर बुजुर्ग की मौत। घटना के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। भोजपुर में गाड़ी ने बाइक सवार दो दोस्तों को रौंदा। हादसे में एक की मौत जबकि दूसरा गंभीर रूप से जख्मी। अस्पताल में कराया गया भर्ती। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के दुलारपुर गांव के पास की है। जमुई सिकंदरा मुख्य मार्ग के लगमा नहर पर बाइक और स्कॉर्पियो में भिड़ंत। हादसे में एक युवक की दर्दनाक मौत। एक की हालत गंभीर। घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। भोजपुर के आयर थाना क्षेत्र के बौली पर गांव में बेकाबू कार ने बुजुर्ग को रौंदा। इलाज के दौरान बुजुर्ग ने तोड़ा दम। घटना के बाद परिजनों का रो रोकर बुरा हाल। जहानाबाद के अरवल मोड़ के पास उचक्कों ने मदर इंडिया के इंजीनियर के साथ की छिनताई। गाड़ी में रखे बैग को लेकर भागे चोर। सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की वारदात। जमुई में शटर काट कर चोरों ने स्वर्ण व्यवसायी के दुकान से 10 लाख की सामग्री उड़ाई। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। कोयलांचल में जमीन कारोबारी की हत्या के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है पुलिस। कारोबारी की पत्नी ने की हत्यारों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग। जमुई में असामाजिक तत्वों ने छात्रा के साथ की छेड़खानी। विरोध करने पर की गई मारपीट। अपराधियों के हमले में 7 लोग घायल। घटना की जानकारी मिलने के बाद परिजनों ने किया हंगामा। छपरा में दहेज के लिए महिला की हत्या। तालाब में मिला शव। ग्रामीण और परिजनों की सूचना पर ससुराल वालों के खिलाफ मामला दर्ज। छपरा में कोचिंग पढ़ने आए छात्रों को अपराधियों ने चाकू से वार कर किया घायल। घायल छात्रों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। सीनियर छात्रों पर लगा है हमला करवाने का आरोप। आरा में बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या। मामले में 2 बदमाश गिरफ्तार। अपराधियों के पास से 1 राइफल और देसी कट्टा बरामद। लखीसराय में शराबी को पकड़ने गए चौकीदार पर हमला। नशे में धुत शराबी ने किया हमला। आरोपी शराबी को किया गया गिरफ्तार। पूर्वी चंपारण में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर 18 किलो चरस के साथ 3 तस्करों को किया गया गिरफ्तार। तस्करों में 1 महिला भी शामिल। देवघर में प्रतिबंधित गुटखा खैनी और तंबाकू उत्पाद की धड़ल्ले से हो रही बिक्री। शिकायत मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने देवीपुर इलाके में छापेमारी के दौरान देवीपुर के बाजार में बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित गुटखा खैनी और तंबाकू दुकान में पाया। खगड़िया के मड़िया सहायक थाना इलाके में दर्दनाक हादसा। अनियंत्रित अज्ञात वाहन ने बुजुर्ग को रौंदा। हादसे में बुजुर्ग महिला गंभीर रूप से घायल। इलाज के दौरान अस्पताल में हुई बुजुर्ग महिला की मौत। साहिबगंज जिले के राधानगर थाना क्षेत्र में दर्दनाक हादसा। तेज रफ्तार हाईवा के चपेट में आए बाइक सवार पति पत्नी। हादसे में हाईवा के नीचे आने से पत्नी की मौत। पति गंभीर रूप से घायल। लखीसराय में 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट। दोनों तरफ से करीब 8 लोग घायल। सभी घायलों को PHC भेजा गया। 4 की हालत गंभीर। जमीन विवाद को लेकर जमकर चले लाठी डंडे। कैमूर में 2 शिफ्ट में OPD चलाने की सूचना पर असमंजस में डॉक्टर। स्टाफ की कमी को दूर करने की चिकित्सकों ने की मांग। सरकार के निर्देश में सुबह 9 से 2 तक पहली शिफ्ट और शाम 3 से 5 तक रखा गया है दूसरा शिफ्ट। बाढ़ के घोसवारी इलाके का मध्य विद्यालय पेश कर रहा मिसाल। बच्चों को नियमित रूप से परोसा जा रहा है भोजन। बच्चों के भविष्य के लिए पठन पाठन पर दिया जा रहा है ध्यान। बेगूसराय में बच्चों के झगड़े के बाद महिला ने तोड़ा एक बच्चे का हाथ। घायल बच्चे को अस्पताल में कराया गया भर्ती। जानकारी के बाद पुलिस छानबीन में जुटी। कोडरमा के झुमरी तलैया में दुर्गा आयरन फैक्ट्री पर प्रदूषण फैलाने का आरोप। दमा और TB बीमारी से ग्रस्त होते जा रहे गांव के लोग। विरोध में स्थानीय लोगों ने दिया धरना। कैमूर के हड़दा गांव में विद्यालय की मांग को लेकर महिलाओं ने किया प्रदर्शन। सड़क जाम कर विद्यालय के निर्माण की मांग। कई सालों से अधूरा पड़ा है हरलाटांड विद्यालय का भवन निर्माण। भागलपुर में स्मार्ट सिटी योजना के तहत अतिक्रमणकारियों पर चला बुलडोजर। सदर अस्पताल के पास से हटाया गया अवैध निर्माण। गया में SSB 29वें बटालियन के जवानों ने चलाया स्वच्छता अभियान। आम लोगों को किया गया जागरूक। बोधगया के कई कॉलोनियों में की गई साफ सफाई।
मुजफ्फरपुर में लैंगिक हिंसा को रोकने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन, मनाया जा रहा है जागरूकता पखवाड़ा। जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने हरी झंडी दिखाकर वॉकथॉन को किया रवाना। सरायकेला के राजनगर थाना अंतर्गत राजनगर ब्लॉक चौक में प्रखंड अध्यक्ष धर्मा मुर्मू की सड़क दुर्घटना में हुई मौत, परिजनों ने हाथा चाईबासा मुख्य मार्ग को किया जाम। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को शांत कराया। हजारीबाग में जेएसएलपीएस और बीएपी के सैकड़ों कर्मचारियों ने किया हड़ताल, वेतन बढ़ाने की कर रहे मांग, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए कर्मचारी। शेखपुरा समाहरणालय के मंथन सभागार में जनता दरबार का आयोजन, डीएम ने फरियादियों की समस्याएं सुनी, संबंधित विभाग को आगे की कार्रवाई के दिए निर्देश। बियाड़ा के पूर्व अध्यक्ष विजय कुमार झा, बढ़ते अपराध के खिलाफ अपराधियों पर सीसीए लगाने के लिए सत्याग्रह पर बैठे, अपराधियों की सूची बनाकर सीसीए और जिला बदर और तड़ी पार करने की रखी मांग। हजारीबाग पुलिस अधीक्षक ने विभिन्न थानों को दिया एंटी क्राइम जांच अभियान का निर्देश, पुलिस अधीक्षक ने दो पहिया चार पहिया और बड़े मालवाहक वाहनों की जांच के आदेश दिए। साहिबगंज के मिर्जा चौकी फाटक के पास एक व्यक्ति को मालगाड़ी के नीचे से बेहोशी की हालत में बाहर निकाला गया, युवक की पहचान नहीं हो पाई है, बताया जा रहा है कि व्यक्ति को मालगाड़ी के अंदर रस्सी से बांधा गया था। अररिया में जल जीवन हरियाली दिवस के मौके पर जल जीवन हरियाली जागरूकता रथ को किया गया रवाना, अनुमंडल पदाधिकारी ने रथ को दिखाई हरी झंडी।